वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला के दस्तखत के साथ समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी गई। गवर्नर ने समरी मंजूर ना की तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली 48 घंटे बाद अस खुद तहलील हो जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के 34 अरकान समेत 35 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने मुस्ताफी अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। शेख रशीद, फवाद चौधरी, मुराद सईद, उमर अयूब खान, असद कैसर के नाम शामिल। इस्तीफे मंजूर करने का शुक्रिया। फवाद चौधरी का रद्दअमल। फारूक हबीब की तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली के इकदाम को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा पहले तो स्पीकर का मौकिफ था कि एक एक रुकन सामने आकर इस्तीफे की तस्दीक करे। सिंध बल्दियाती इंतखाबात दोबारा गिनती में जमात इस्लामी ने मजीद 2 सीटें जीत लीं। जमात इस्लामी की नशस्तों की तादाद 88 हो गई। पीपल्स पार्टी 91 सीटों के साथ अब भी पहले नंबर पर है। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के इलाके खुजदार और वसीमा का दौरा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई।